हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडा ठंडा रबड़ी फालूदा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बनाने में उतना ही आसान। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको नोटिफिकेशन से अपने आप ही मिलती रहेंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए। यहाँ पर मैंने लिया है रबड़ी, एकदम ठंडी ठंडी रबड़ी। ये मैंने घर पर बनाई है, लच्छेदार रबड़ी। इसकी रेसिपी आपको खत्रीज किचन में मिल जाएगी और मैं इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, आप देखिए और बनाइए। मैंने घर पर ही बनाई है, एकदम ठंडी है ये रबड़ी, लच्छेदार बनती है। घर पर ही बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर मैंने ली है उबली हुई वर्मीसली यानी कि सेवैयाँ। ये वही सेवैयाँ हैं जिससे हम वर्मीसली उपमा बनाते हैं, मीठी सेवैयाँ बनाते हैं, वही है। मैंने 1/4 कप कच्ची सेवैयाँ ली है, ये देखिए। इसको मैंने खूब सारे पानी में डालकर बॉईल करके स्ट्रेन कर ली थी। ये इस तरह की सेवैयाँ आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये मैंने बॉईल की हुई ली है सेवैयाँ। और यहाँ पर मैंने लिया है ये टकमरिया, इसे सब्जा सीड्स बोलते हैं। इसे मैंने भिगा के रखा है, 1 टीस्पून सब्जा सीड्स को 1/2 कप पानी में भिगा के रखना है 5 मिनट के लिए। और मैं दिखाती हूँ ये सब्जा सीड्स कैसे होते हैं। ये देखिए, इस तरह के ब्लैक कलर के एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दाने होते हैं, आपको कोई भी प्रोविजन स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे सब्जा सीड्स, या फिर इसको टुकमरिया भी बोलते हैं। 1 टीस्पून और 1/2 कप पानी में इसको भिगा के छोड़ना है 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है रोज़ सिरप, कोई भी आप रोज़ सिरप ले लीजिए। और काजू लिए हैं बारीक कटे हुए, किशमिश ली है, और यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी ली है मिक्स कलर की। और साथ ही साथ हमें इसमें चाहिएगी वनीला आइसक्रीम, ये मैंने घर पर ही बनाई है। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ, आप देखिएगा और बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया घर पर एकदम सॉफ्ट वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही ग्लास और ये सब कुछ सेट करके रखा है, अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। तो ग्लास में सबसे पहले हम डाल देते हैं रोज़ सिरप, जो हम रोज़ शरबत पीते हैं घर पर, ये वही शरबत है, आप कोई भी ब्रांड का लेके आ जाइए। यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, करीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून दोनों ग्लासेस में डाल देते हैं अच्छे से इस तरह से। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये रबड़ी, एकदम ठंडी रबड़ी है, मैं ये करीबन 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ। आप सारी चीज़ें फ्रीज में रखने के बाद ही काम में लीजिएगा, एकदम ठंडा ठंडा रबड़ी फालूदा खाने में बहुत ही मज़ा आता है। दूसरी ग्लास में भी डाल देती हूँ मैं, आपको जितना रबड़ी पसंद है आप डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं बॉईल की हुई सेवैयाँ, ये मैं करीबन 1 से 1.5 चम्मच जितने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और दूसरी ग्लास में भी डाल देती हूँ, और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं सब्जा सीड्स, दोनों के अंदर 1-1 चम्मच, 1 टीस्पून एक ग्लास में, और दूसरी ग्लास में भी डाल देती हूँ। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बर्फ़ का स्लाइस, इससे एकदम ठंडा रहेगा रबड़ी फालूदा, जब तक हम इसे पूरा फिनिश नहीं करेंगे तब तक बहुत ही ठंडा रहेगा। और फिर से रबड़ी डाल रही हूँ करीबन 1 से 1.5 चम्मच जितना दोनों ग्लासेस में, और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ी सी बॉइल्ड वर्मीसली डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून जितना दोनों में, 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून, और फिर से थोड़ा सा सब्जा सीड्स, ये भी 1/2 टीस्पून के करीब। और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ वनीला आइसक्रीम। आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखकर बना सकते हैं, और नहीं तो आप बाज़ार से लाना चाहते हैं तो वो डाल दीजिएगा। आप चाहें तो इसके अंदर रोज़ आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, रोज़ फ्लेवर वाली, मैं यहाँ पर वनीला डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। दोनों के ऊपर मैं 1-2 स्कूप डाल रही हूँ, आपको जितना आइसक्रीम पसंद है डाल सकते हैं, 1 या 2 स्कूप। और फिर से इसके ऊपर हम थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून के करीब दोनों में, और ऊपर से हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, बारीक कटे हुए काजू और किशमिश, और लास्ट में फिर मैं डालूंगी टूटी फ्रूटी, आपके पास अगर चेरी है तो वो भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा फालूदा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, बहुत ही बढ़िया होता है। गर्मी के मौसम में हमें ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ही मन करता है, आप ज़रूर बनाइएगा, आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, आप सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं,
लेकिन सारी चीज़ों को एकदम ठंडा करके फ्रीज में उसके बाद ही काम में लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, एकदम बढ़िया रॉयल फालूदा की रेसिपी है। तो मुझे बताइए कि कैसी लगी मेरी रेसिपी और इसे आप एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ।